दोस्तों, मशीनों ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र को बदल कर रख दिया है। इस वीडियो में प्रस्तुत है खाने की वस्तुएं बनाने वाली फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें, जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। मशीनों पर ऑटोमेटिक तरीके से स्वादिष्ट खाने की चीजें बनते हुए देखने का अपना अलग मजा है। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें और पूरी जानकारी और पूरा मजा लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अब फैक्ट्री में भी बन सकता है घर जैसा खाना। इस फैक्ट्री और इस खाना बनाने वाली मशीन सिस्टम को देखकर आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पर बर्तनों को अच्छे से भाप का इस्तेमाल करके धोया जाता है और फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन सिस्टम इन बर्तनों में चावल और पानी भर देती है। मशीन लाइन में आगे जाते हुए चावल को अच्छे से धोकर पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अब शुरू होता है चावल की धुलाई के बाद चावल को उबालने का काम। प्रोडक्शन लाइन में धुले हुए चावल के साथ सही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद इंडक्शन सिस्टम का प्रयोग करके चावल को बर्तन के अंदर उबाल लिया जाता है। चावल में पानी की मात्रा इतनी सही होती है कि चावल को उबालने के बाद पानी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे चावल के पोषक तत्व वेस्ट नहीं होते हैं। प्रोसेस लाइन में आगे मशीन चावल को फूड कंटेनर्स में सही मात्रा में भर देती है। इसके बाद प्रोसेस लाइन में चावल के साथ सब्जी, सलाद और करी भी भर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस लाइन में एक भी वर्कर का प्रयोग नहीं किया गया। खाना बनाने से लेकर पैकिंग का सारा काम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स पर ही पूरा किया जाता है, जिसमें मिलती है पूरी तरह से सफाई और परफेक्शन। मशीन कुछ मिनटों में ही सैकड़ों फूड पैकेट्स बनाकर उन्हें पैक कर लेती है, जिन्हें रोबोटिक मशीन्स बड़े बॉक्सेस में पैक करके फैक्ट्री, स्कूल या ऑफिसेज में भेज देती है, जहां एक साथ कई लोग खाना खा सकते हैं। क्रीम बिस्किट्स बनाने के लिए ये अब तक की सबसे आधुनिक मशीन है। पूरी तरह से रोबोटिक्स और सेंसर से लैस ये मशीन बिस्किट्स पर सही मात्रा में टेस्टी क्रीम फैलाकर उन पर एक और बिस्किट रखकर सभी बिस्किट्स को तैयार कर लेती है। मशीन के क्रीम कंटेनर में सिर्फ क्रीम भरना होता है और ये मशीन बिस्किट्स को अपने आप सही जगह पर रखती हुई चलती है और बिस्किट्स में क्रीम भरकर उन्हें पैकिंग के लिए आगे कर देती है। यहाँ एक और मशीन बिस्किट्स को मशीन में फीड करती है और साथ ही साथ बिस्किट्स में क्रीम भरकर और बटर लगाकर उन्हें पैक कर लेती है। ये है बेकरी में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही आधुनिक मशीन। ये मशीन बिस्किट्स को बेक करने और उसमें फ्रूट जेली भरने का काम साथ साथ कर देती है। प्रोसेस लाइन में आगे जाते हुए ये सारे कुकीज इलेक्ट्रिक भट्टी से होकर गुजरते हैं, जिससे ये कुकीज अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें मशीन प्लास्टिक कंटेनर्स में भर देती है। ये है ब्रेड, बर्गर और बन बनाने वाली दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन। यहाँ पर सारे काम फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों पर पूरा किया जाता है। आटा गूंथने से लेकर ब्रेड को बेक करने का पूरा काम इन्हीं ऑटोमेटिक मशीनों पर पूरा किया जाता है। मशीन आटा गूंथने के बाद आटे के टुकड़ों को एक जैसी मात्रा में काट लेती है, जिनका प्रयोग करके बर्गर और दूसरी चीजें तैयार होंगी। इसके बाद मशीन आटे के टुकड़ों को बर्गर, हॉट डॉग और ब्रेड के सांचों में डाल देती है। ये सभी चीजें इतनी बड़ी ऑटोमेटिक भट्टी से गुजरती है और हाफ बेक हो जाती है। मशीन बेकरी की इन चीजों पर ड्राई फ्रूट्स और ब्रेड क्रम्स डाल देती है। इसके बाद इन सभी चीजों को मशीन दूसरी भट्टी में लेकर जाती है, जहां पर ब्रेड, बर्गर, हॉट डॉग्स गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो जाते हैं। मशीन द्वारा तैयार किए जा रहे सभी ब्रेड्स और बर्गर्स की गिनती भी फैक्ट्री में लगे कंट्रोल पैनल्स पर हो जाती है। इस प्रकार फैक्ट्री में बर्गर और हॉट डॉग्स तैयार हो जाते हैं। फैक्ट्री के इस हिस्से में ब्रेड्स तैयार हो जाते हैं। आखिर में ब्रेड्स आदि को पैक करने का काम भी इसी फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन में कर लिया जाता है। ये पूरी प्रोडक्शन लाइन सच में एक जादू की तरह लगती है। सारा काम इतने बढ़िया ढंग से हो जाता है कि मुंह से निकल पड़ता है, वाह क्या बात है। पूरी दुनिया मोमोज की दीवानी है। नॉनवेज खाने वालों को तो गर्मागर्म नॉनवेज मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अमेरिका, यूरोप और दूसरे आधुनिक देशों में हर व्यक्ति काम करता है, कोई नौकरी तो कोई बिजनेस।
ऐसे में लोगों के पास खाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसलिए रेडी टू ईट फूड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। इस तरह के खाने को माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म किया और खा लिया। ये है नॉन वेज मोमोज बनाने की फैक्ट्री। यहाँ पर बिना किसी मानव स्पर्श के बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मोमोज तैयार किए जाते हैं। मशीन में ही चिकन मीट, धनिया पत्ते, मसाले आदि को एक साथ पीसने के बाद आटे को मशीन गूंथ लेती है और उस आटे को मशीन में ही बेल दिया जाता है। मशीन आटे के गोल गोल हिस्सों को काट कर एक और मशीन पर चढ़ा देती है, जहां पर सभी मोमोज में नॉनवेज को भर दिया जाता है और मशीन एक एक मोमोज को बंद कर देती है। ये ऑटोमेटिक मशीन मोमोज को सुंदर से प्लास्टिक कंटेनर्स में रख देती है। हर एक ट्रे में 20-20 मोमोज लगा दिए जाते हैं। मोमोज के इन ट्रेस को प्रोसेस लाइन में आगे भेजा जाता है, जहां पर भाप छोड़ने वाली मशीन भाप का इस्तेमाल करके मोमोज को स्टीम कुक कर लेती है। स्टीम से सभी मोमोज अच्छे से पक जाते हैं। इसके बाद मोमोज के इन ट्रेस को एकदम से ठंडा कर लिया जाता है, जिससे मोमोज बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं और मोमोज की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आगे प्रोसेस लाइन में इन मोमोज की ट्रेस को एयर टाइट प्लास्टिक शीट्स में पैक कर लिया जाता है। इस प्रकार के रेडी टू ईट मोमोज को रेफ्रिजरेटर में रखकर 15 दिन तक मजे से खाया जा सकता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया और एकदम हाइजीनिक। आइए अब देखते हैं बच्चों को खास तौर से पसंद आने वाले फन केक्स कैसे बनते हैं। फन केक्स अलग अलग जानवरों के डिजाइन में मिल जाते हैं। प्रोडक्शन लाइन में पहले फन केक्स बनाने वाले सांचों पर बटर लगा दिया जाता है। ऑटोमेटिक ब्रशेस सांचों पर मस्त तरीके से बटर लगा देती है। इसके बाद सांचे प्रोडक्शन लाइन में आगे बढ़ते हैं और ऑटोमेटिक मशीन सांचों में केक का आटा डालती है। सांचे जब थोड़े से गर्म हो जाते हैं तो केक के बीचों बीच फ्रूट जैम रख दिया जाता है। इस तरह फ्रूट जैम सांचों के बीचों बीच रहती है। सांचों के अंदर सभी फन केक सिक कर तैयार हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिक मशीन सभी फन केक्स को सांचों से बाहर निकाल देती है। ये है डोनट्स बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन। बस मशीन में डोनट्स का आटा डाल दिया जाता है और ये मशीन आटे से डोनट्स की शेप बना देती है और सभी डोनट्स को समान रूप से तेल में तल लेती है। डोनट्स एक मीठा व्यंजन है। मशीन डोनट्स पर क्रीम या चॉकलेट की परत भी बिछा देती है और टेस्टी डोनट्स तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए ऑटोमेटिक फूड मेकिंग मशीनों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।